हेलो एंड गुड आफ्टरनून। आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में 8th लेक्चर बना रहे हैं और ये लेक्चर जो है वो है नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर, यानी प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, क्या कितने प्रकार के होते हैं और ये मानव जीवन में किस प्रकार का रोल निभाते हैं। तो क्या मानव भी एक नेचुरल रिसोर्सेज है, उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे और सारे पार्ट्स को यहाँ हम बहुत बारीकी से डिस्कस कर रहे होंगे। तो जरा देखिए, जरा नेचुरल रिसोर्सेज हम कैसे कैसे उसे डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे उसकी एक डेफिनेशन लिखी गई है, अ नेचुरल रिसोर्सेज इज समथिंग फाउंड इन नेचर दैट पीपल कैन यूज टू मीट देयर नीड्स, यानी कि प्रकृति में पाई जाने वाली वो सभी चीजें जो मानव की आवश्यकताओं की क्या करते हैं, पूर्ति करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज। यह किसी भी प्रकार की हो सकती हैं, यह प्राकृतिक हो सकता है, जैसे मिनरल्स हो गया, सारी चीज लकड़ियां होगी, पेड़ हो गए, सब रिसोर्सेज हो सकते हैं। दूसरा, हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि ये कल्चरल भी हो सकता है, यानी कोई मंदिर हो गया है ना, तो वो भी हमारा क्या एक संसाधन है, उससे भी हम क्या करते हैं, मानव की आवश्यकताओं की उससे भी क्या होती है, पूर्ति होती है, उसको भी हम काउंट करते हैं। लेकिन जरा यहां देखें, जब हम इसका क्लासिफिकेशन कर रहे होंगे तो क्लासिफिकेशन में हम किन किन बातों का ध्यान रख रहे होंगे, तो जरा ध्यान दें। पहला जो पहला पॉइंट है वो ये है कि टाइप ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि संसाधन के कितने प्रकार के होते हैं, एंड ये क्या होते हैं, बेसिकली तीन प्रकार के होते हैं। पहला देखें नेचुरल यानी प्राकृतिक, दूसरा देखें ह्यूमन यानी मानव, और तीसरा मानव निर्मित संसाधन यानी ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। कितने प्रकार के होते हैं, तीन। तो इन तीनों में जो सबसे पहला हमने डिस्कस करना और जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्स को देखिए यहां कितने प्रकार में बांटा गया है, नेचुरल रिसोर्सेज को यहां देखिए 1, 2, 3, 4, 5 प्रकार से बांटा गया है। तो यानी देखिए जो पहला है, यानी बेस्ड ऑन ओरिजिन यानी उत्पत्ति के आधार पर जो रिसोर्सेज होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, देखिए दो प्रकार के होते हैं, बायोटिक एंड अबायोटिक। यहां हमें कंप्लीटली पढ़ना है बायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं, अबायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं और ये एक दूसरे को इफेक्ट कैसे करते हैं। यहां भी हम थोड़ा ये एनवायरमेंट वाला पार्ट डिस्कस कर रहे होंगे। फिर देखिए बेस्ड ऑन यूटिलिटी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। फिर है बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ डेवलपमेंट, विकास के आधार पर पोटेंशियल एंड एक्चुअल, इन्हें भी हम डिस्कस कर रहे होंगे। बेस्ड ऑन क्या, डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण के आधार पर, लोकलाइज्ड एंड यूबिक्यूटस, ठीक है। और फिर लास्ट देखेंगे बेस्ड ऑन ओनरशिप, इसमें हम काफी काफी टाइप के हैं, इंडिविजुअल हो सकता है, नेशनल हो सकता है, कम्युनिटी की हो सकती है और इंटरनेशनल प्रॉपर्टी हो सकती है। तो इतने प्रकार का जो नेचुरल रिसोर्सेज है, ये ध्यान दें टाइप ऑफ रिसोर्सेज में कौन से प्रकार का, नेचुरल रिसोर्सेज। फिर देखेंगे हम ह्यूमन रिसोर्सेज, मानव ही स्वयं में क्या है, एक संसाधन है, मानव का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, उसकी डेंसिटी कहाँ ज्यादा होती है, इन सभी विषयों पर हम यहाँ चर्चा कर रहे होंगे। और फिर होगा ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज आप जानते हैं, जैसे सड़क हो गई, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है, विश्वविद्यालय हो गए, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है, काफी सारी चीजों को इसमें क्या क्या, आर्टिफिशियल जो भी चीजें होंगी वो सब कहाँ आ जाएंगे, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में आ जाएगा, ठीक है। तो जरा हम पहला डिस्कस करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज में बेस्ड ऑन ओरिजिन, यानी उत्पत्ति के आधार पर संसाधन। तो जब हम इसके बारे में डिस्कस करें तो पहला जरा ध्यान दें, यानी कि यहां पर डेफिनेशन भी आपको कुछ देखने को मिल सकता है। नेचुरल रिसोर्सेज किसे बोलते हैं, जो संसाधन प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं और अधिक संसाधनों के बिना प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, जैसे सूर्य हो गया, विंड्स हो गई, वाटर हो गया, ये सारी की सारी क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज। और पहला जो हम बांटे कौन सा, जो बायोटिक एंड अबायोटिक, दोनों में क्या अंतर होता है बायोटिक एंड अबायोटिक में, तो जरा ध्यान दें बायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं। देखिए जो भी चीज इस धरती पर लिविंग यानी जीवित अवस्था में विद्यमान है, लिविंग स्टेज में है, जैसे लिविंग स्टेज में क्या क्या हो गया, मानव लिविंग स्टेज में है, जंगली जानवर लिविंग स्टेज में है, जितने भी पेड़ और वनस्पति है लिविंग स्टेज में है, वो सारी की सारी चीजें हम किस में रखते हैं, बायोटिक रिसोर्सेज में रखते हैं। बस इनमें आया, यानी कि प्रकृति में वो सारी चीजें जो लिविंग अवस्था में यानी जीवित अवस्था में विद्यमान है उन्हें हम किस में रखते हैं, बेस्ड ऑन ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर बायोटिक यानी कि जैविक संसाधन में सम्मिलित करते हैं। क्लियर हुआ, सीधी सी बात है। यहां पर देखिए जीव मंडल से प्राप्त होते हैं पुनर्उत्पादन की क्षमता, और दूसरा पेड़ है, पेड़ को जन्म देता है, मानव मानव को जन्म देता है, इनमें रीजनरेशन यानी कि पुनर्उत्पादन करने की भी क्या होती है, कैपेसिटी होती है। क्लियर, इसे क्या बोलते हैं हम, बायोटिक रिसोर्सेज। सेकेंड पॉइंट ध्यान दें, अबायोटिक रिसोर्सेज किसे बोलते हैं। अब प्रकृति में कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो नॉन लिविंग कंडीशन में प्रेजेंट है, अजीवित अवस्था में है,
जीवित नहीं है, क्या हो गई? हवा है ना, माउंटेन्स, सॉयल, ये नॉन लिविंग है ना, टेम्परेचर, विंड्स, ये सब क्या है? नॉन लिविंग कंडीशन में प्रेजेंट है। तो हम इन्हें कौन सा रिसोर्सेस मानते हैं? अजैव संसाधन मानते हैं। बस समझ आया? अब जरा ध्यान दे, क्या ये दोनों एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं? ये पूरा का पूरा पार्ट ज्योग्राफी का होता है, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी जो आती है, पर्यावरण वाला, कि बायोटिक अबायोटिक को कैसे इफेक्ट करता है। और देखिए जरा, सब लोग इसमें देखिए कितने टाइप की इक्वेशन बनती है, जरा ध्यान दें। इसमें जो इक्वेशन बनेंगी वो इस प्रकार से बनेंगी। पहला देखिए, जो बायोटिक है, पहला बायोटिक का अबायोटिक से हम देखें जरा। तो देखिए, बायोटिक क्या बायोटिक को इफेक्ट करता है, बायोटिक क्या अबायोटिक को इफेक्ट करता है, क्या अबायोटिक बायोटिक को इफेक्ट करता है, और क्या बच गया इसमें? अबायोटिक अबायोटिक, यही तो बच गया है ना। देखिए चार प्रकार की इक्वेशन बनती है। अब आप बोल रहे होंगे ये दोनों एक जैसे हैं, ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं ना, लेकिन ये है नहीं, इनमें बहुत बड़ा अंतर होता है। ये जब हमने एक एनवायरमेंट वाला बैच चलाया था स्पेशल, उसमें भी बल्कि हमने ये बताया था कि इनके बीच में कैसे कैसे रिलेशन होते हैं। तो देखिए, बायोटिक कैसे बायोटिक को इफेक्ट करता है, अबायोटिक कैसे अबायोटिक को इफेक्ट करता है, इन सब के बीच में रिलेशन क्या है, मैं जरा एक एक उदाहरण दूंगा इन सब का। देखिए, बायोटिक कैसे बायोटिक को इफेक्ट करता है, बायोटिक मतलब जैव, जैव कैसे जैव को, यानी कि आदमी आदमी को कैसे इफेक्ट करता है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो आप जानते हैं, देखिए आदमी क्या हो गया, बायोटिक, मैन क्या हो गया, आदमी क्या हो गया, और पेड़ क्या हो गए, पेड़ भी क्या हो गए, बायोटिक हो गए, ठीक है ना। तो आदमी क्या कर रहा है, पेड़ों को काट रहा है, तो ये किसका इंपैक्ट किस पर है, बायोटिक का इंपैक्ट बायोटिक पर है। आपने देखे होंगे ना, बहुत सारे जानवर क्या हो गए, विलुप्त हो गए हैं, हाथी विलुप्त होने की कंडीशन में है, है ना। काफी सारे समुद्री एनिमल भी क्या हो गए, इफेक्टेड हो गए हैं, यानी विलुप्त। कौन मार रहा है, इंसान मार रहा है, लगातार इंसान मार रहा है, पेड़ आदमी काट रहा है। तो यानी बायोटिक किसको इफेक्ट कर रहा है, बायोटिक को इफेक्ट कर रहा है। क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं कि प्रकृति में जो कुछ जानवरों का क्या हो रहा है, विलुप्तीकरण, यानी वो खो रहे हैं, वो अब उनकी जो प्रजाति है, स्पीसीज है, वो ही खत्म होने वाली है, कौन सा एक अंतर क्रिया है वो, तो किसका किसका है, बायोटिक का बायोटिक से। अब जरा ध्यान दो, अगला दें, बायोटिक का अबायोटिक को कैसे इंपैक्ट हो रहा है, अब ये भी तो है। तो बायोटिक का अबायोटिक को कैसे इंपैक्ट हो रहा है, यानी कि बायोटिक मनी आदमी, सीधी सी बात है, यहां आदमी आ जाएगा, ये देखिए ये आदमी आ जाएगा बायोटिक, और यहां अबायोटिक क्या आ जाएगी, हवा, ये हवा आ गई, और आदमी क्या कर रहा है, पॉल्यूशन कर रहा है, गाड़ी मोटर चला रहा है, उससे क्या निकल रहा है, कार्बन निकल रहा है, और कार्बन से क्या पॉल्यूशन, किस कौन प्रभावित हो रही है, हवा। तो आदमी किसको इफेक्ट कर रहा है, अबायोटिक को इफेक्ट कर रहा है। देखिए एक एक एग्जांपल दे रहा हूं समझने के लिए, एकदम से समझ में आ जाएगा आपको। पहले तो ये देख लीजिए, बायोटिक क्या होता है, अबायोटिक क्या होता है, फिर दोनों को कैसे इफेक्ट कर रहे हैं ये भी देख लीजिए। अब देखिए, अबायोटिक बायोटिक को कैसे इफेक्ट कर रहा है, अबायोटिक बायोटिक को कैसे इफेक्ट कर रहा है, यानी कि हवा या कोई भी और चीज, जैसे कैसे इफेक्ट कर, जैसे अबायोटिक, जैसे ध्यान दो सभी लोग, देखिए कैसे इफेक्ट कर रहा है। आप जानते हैं ये पृथ्वी है, ठीक है, और ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और ये कैप्रिकॉन है, ठीक है। आप जानते हैं आप लोग, इक्वेटर पे टेम्परेचर क्या होता है, हाई, बात समझ आ रहे हैं, टेम्परेचर क्या होता है, हाई, तो टेम्परेचर क्या है, अबायोटिक है, टेम्परेचर अबायोटिक है ना, ठीक है। अब देखिए, हाई टेम्परेचर से इस पूरे रीजन में हाई एवोपरेशन हो रहा है, वाटर वेपर्स ज्यादा बन रहा है, वाष्पोत्सर्जन ज्यादा हो रहा है, और उससे बारिश हो रही है, बारिश हो रहा है ना, अबायोटिक है, और उस बारिश होने से उस पूरे रीजन में पेड़ पौधे ज्यादा मात्रा में उग रहे हैं, और पेड़ पौधे क्या आ गए, बायोटिक। इसलिए अबायोटिक कैसे किसको इंपैक्ट कर रहा है, बायोटिक को इंपैक्ट कर रहा है, ठीक है। ऊंचाई, ऊंचाई पहाड़ों की ऊंचाई होती है ना, तो ऊंचाई पर आप जानते हैं ठंड बढ़ती है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, सब लोग जानते हैं ना। लेकिन जो लोग वहां पर रहते हैं उनके ब्लड में हीमोग्लोबिन ज्यादा पाया जाता है, तो ये किसने किसको इंपैक्ट किया,
अबायोटिक ने बायोटिक को इंपैक्ट किया, यानी इंसानों को इंपैक्ट किया, ठीक है। अब देखिए, जो लोग इक्वेटोरियल रीजन में रहते हैं, विषुवतीय क्षेत्र में रहते हैं, उनकी त्वचा कैसी पाई जाती है? काली। और टेम्परेचर ने टेंड कर दिया ना, जला दिया ना, तो देखिए किसका? अबायोटिक का बायोटिक पर इंपैक्ट। और लास्ट देखेंगे अबायोटिक का अबायोटिक पर इंपैक्ट कैसे होगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अबायोटिक का अबायोटिक पर इंपैक्ट कैसे होगा, जैसे ध्यान दें, ऊंचाई पर जाने पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होना। देखिए ऊंचाई भी क्या है? अबायोटिक। और हवा या ऑक्सीजन भी क्या है? अबायोटिक। क्लियर? बासन मारी। देखिए जैसे इस ग्लोब पर देखिए, पोल की ओर जाने पर सन का टेम्परेचर, यानी ऊंचाई पर जाने पर सूर्य की ऊर्जा क्या होती है? कम, यानी ठंडा ज्यादा मिलेगा ना, ठंडा मिलेगा ना, यानी कि पोल की तरफ जाने पर ठंडा मिलेगा। किसने किसको इंपैक्ट किया? अबायोटिक ने अबायोटिक। क्लियर? तो जरा ध्यान दें, ये हम और भी एग्जांपल्स के साथ कहां पढ़ते हैं, ये हम पढ़ते हैं कहां? एनवायरमेंट में, ठीक है, वहां भी हम इसे बहुत डिटेल में चर्चा कर रहे थे। तो दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट, इन्हें भी आप नोट कर सकते हैं कि बायोटिक और अबायोटिक के बीच में क्या डिफरेंस है, दोनों एक दूसरे कैसे इफेक्ट करते हैं। और जरा देखिए, जरा अगला देखिए, अगला पॉइंट बेस्ड ऑन यूटिलिटी, यानी कैसे इन्हें प्रयोग कर सकते हैं। तो रिन्यूअल और नॉन रिन्यूअल बहुत इजी है। देखिए यहां पर है रिन्यूअल और दूसरा है नॉन रिन्यूअल। तो देखिए दोनों में क्या है, वे संसाधन जो शीघ्रता से यानी फिर से प्रयोग में लाए जा सकते हैं, यानी कि जैसे हवा को हम फिर से प्रयोग में ला सकते हैं, वाटर, सोलर एनर्जी, तो इन्हें क्या बोलते हैं हम? रिन्यूअल रिसोर्सेस। और नॉन रिन्यूअल जिन्हें हम दोबारा से प्रयोग में ला ही नहीं सकते हैं। तो आप जानते हैं ऐसे क्या क्या होते हैं, ऐसे क्या होता है, कोयला हमने जला दिया, पेट्रोल जला दिया, जितने भी सारी चीजें हैं जिन्हें हम दोबारा प्रयोग में नहीं ला सकते, उसे क्या बोलते हैं हम? नॉन रिन्यूएबल। क्लियर? अगला पॉइंट, बेस्ड ऑन लेवल ऑन डेवलपमेंट, यानी विकास के आधार पर, पोटेंशियल एंड एक्चुअल। अब जरा ध्यान दें क्या होता है भाई, पोटेंशियल क्या होता है और एक्चुअल मनी ओरिजिनल क्या है। तो जरा ध्यान दें, पहले है पोटेंशियल, वे संसाधन जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती है उन्हें संभाव्य कहते हैं, यानी कि हमें पता ही नहीं कि कितना सारा है। जैसे एग्जांपल दिया उसने, भारत के लद्दाख में पाया गया यूरेनियम। अब देखिए ऐसा अनुमान लगाया गया है कि भारत के लद्दाख वाले क्षेत्र में बहुत बड़ी मात्रा में यूरेनियम हो सकता है, लेकिन हमने अभी उसे निकालना स्टार्ट नहीं किया है। तो वो जो वहां पर रिसोर्सेज हैं उन्हें हम किस में रखते हैं? पोटेंशियल में रखते हैं। और देखिए ओरिजिनल यानी एक्चुअल क्या बोलते हैं, वे संसाधन जिनकी मात्रा, जिनकी क्वांटिटी हमको क्या है? पता है, उन्हें वास्तविक यानी कि ओरिजिनल कहा जाता है, एक्चुअल कहा जाता है। वर्तमान समय में इन्हीं का हम क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं। क्लियर? बहुत आसान है ये समझना, आप समझ सकते हैं, ये भी दो हो गए हैं। अब जरा ध्यान दें, अगला पॉइंट दिए, अब बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण के आधार पर, लोकलाइज्ड एंड यूबिक्विटस। अब देखिए जरा इन दोनों को समझ जाइए, लोकलाइज्ड का मतलब क्या है, जो किसी क्षेत्र विशेष में पाया जाता है, वे संसाधन जो हर जगह नहीं पाए जाते हैं, किसी विशेष रीजन में पाए जाते हैं, जैसे तांबे की कुछ इंपॉर्टेंट माइंस होती है, आयरन की होती है, गोल्ड की होती है, और एक क्षेत्र विशेष हर जगह नहीं पाया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? लोकलाइज्ड। और यूबिक्विटस रिसोर्सेज, सर्वव्यापक जो हर जगह पाया जाता है, वो क्या होता है? वायु, हवा, प्रकाश, जो हर जगह पाया जाता है, बस उसे हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल या यूबिक्यूटिस या सर्वव्यापक संसाधन कहते हैं। क्लियर? अब एक और टाइप का है, लास्ट टाइप का, बेस्ड ऑन वोनरशिप, यानी कि किसके हैं वो। वोनरशिप का मतलब होता है किसके नाम पे। देखिए पहला, किसी इंडिविजुअल व्यक्ति के नाम पर हो सकती है, वो भी तो संसाधन है, जैसे किसी की फैक्ट्री हो गई, है ना, किसी का मकान हो गया, वो क्या हो गया? इंडिविजुअल। नेशनलाइज्ड, देश का, जैसे सारी नदियां रिसोर्सेज है ना, नेचुरल रिसोर्सेज है, वो किसकी है? किसी व्यक्ति के नाम की है क्या? नहीं, किसकी है? देश की, भारत के देश की, ठीक है, तो क्या हो गई? नेशनलाइज्ड हो गई। तीसरा, कम्युनिटी की, कम्युनिटी जानते हैं ना आप, जंगल, कोई गांव का जंगल है ना, तो वो क्या होंगे? एक कम्युनिटी, एक समुदाय की जो होती है, जिस पर लगभग एक गांव का अधिकार या एक क्षेत्र के लोगों का अधिकार, उसे क्या बोलते हैं? कम्युनिटी। नेचुरल रिसोर्सेज। और लास्ट आगे इंटरनेशनल, जैसे समंदर, स्पेस, ओशन जानते हैं ना, ये कैसी है? अंतर्राष्ट्रीय संपदा है, नेचुरल, पूरा अंतरिक्ष, पूरा एटमॉस्फेयर, ये किसका है? अंतर्राष्ट्रीय, इन पर अंतर्राष्ट्रीय कानून चलते हैं, उनके अकॉर्डिंग चलता है, बात समझ में आया। तो ये थे नेचुरल रिसोर्सेज और उनके प्रकार, उनके बारे में हमने लगातार सारी चीजें डिस्कस कर ली।
अब आए ह्यूमन रिसोर्सेज और ह्यूमन मेड। ह्यूमन मेड भी हमने बता दिया, इट इज वेरी इजी, जो जो रिसोर्सेज ह्यूमन ने बनाए हैं उन्हें क्या बोलते हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। अब आएगा जरा ह्यूमन रिसोर्सेज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा, या हम जनसंख्या का वितरण, क्या क्या किन किन कारणों से जनसंख्या का वितरण निर्धारित होता है, वो भी चीज हम यही पढ़ रहे होंगे। बस समझ आया ना? तो इसको हम देख रहे होंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही।